अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था, हीरा गोल्ड के बारे में कुछ आपको जानकारियां देनी थी कि एक इन्वेस्टर ने मेरे साथ मीटिंग की थी और उसने अपने आप भी थी मुझे बताई। उसके बाद हमने सभी डॉक्यूमेंट्स लिए और उस पर जाँच पड़ताल शुरू की, पूरी साइट्स पे हीरा गोल्ड की पूरे वेबसाइट हमने खंगाल डाली और कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे प्रूफ देखने को मिले। जैसा कि मैं आज आपको बता दूं मेरे भोले भाले दोस्तों कि हीरा गोल्ड आज की तारीख में अपनी वेबसाइट पे 20 कंपनियां दिखाती है तरह तरह के नामों से, जैसे हीरा गोल्ड, हीरा डायमंड्स, हीरा डेवलपर, हीरा फूड बाजार, फोडेक्स, प्योर ड्रॉप्स, हीरा डेवलपर्स, हीरा हज एंड टूर्स एंड ट्रेवल्स, ज्वेलर्स, तरह तरह की कंपनियां। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये कंपनियां सिर्फ नेट पे हैं, ये कंपनियां मार्केट में कहीं नहीं दिखती, इनका प्रॉफिट, इनका शेयर कभी मार्केट में नहीं दिखता। तो मैं नोहेरा शेख जी से सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि नोहेरा शेख जी, आपने अभी हाल ही में आपका एक मैंने वीडियो देखा, उस पर आपने ये कहा कि मर्द अनिजात जो है वो टीवी पे बैठ के या वीडियो बना रहे हैं फिर सोशल मीडिया पे, उनकी माँ बहने या कुछ लोग ऐसी हरकतें करेंगी, उनकी माँ बहनों पे क्या बीतेगी अगर उनकी माँ बहन ये रहती। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, नोहेरा शेख, आप भी हमारी माँ बहन की तरह ही हैं। माशाल्लाह लिबास मुसलमानों का इस्लामी लिबास पहनी है, जिसे देख के आपने अल्लाह करीम की बातें की थी, जिसे आपको देख के लोगों ने अपने करोड़ों रुपये आपके नाम पर इन्वेस्ट किए और आज आप स्कीम पे स्कीम बदलने की बात कर रही हैं। तो हमारी माँ बहन या मेरे ये जो इन्वेस्टर बैठे हैं, इनकी माँ बहन ने कभी पैसा लेके नहीं भागे, किसी की हाय बद्दुआ नहीं ली और किसी का कभी फ्रॉड नहीं किया। तो मैं आपको बताता चलूं, आपने हाल ही में सुना होगा 2006 से लेके 2013 तक 7 साल का जो वक्त था श्रद्धा स्कैम हुआ था, जो कंपनी 200 कंपनी चलाती थी, श्रद्धा स्कैम आप देख सकते हैं गूगल पे जाके, जिसके इन्वेस्टर 2 लाख थे और उन इन्वेस्टरों में से 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसके बाद कम से कम 80 से 150 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। उसके बाद एक घोटाला सामने आया जनवरी 2016 में, पल ग्रुप घोटाला, जो 20 साल तक ये स्कैम चला। और उसके बाद इस कंपनी के इन्वेस्टर थे 5.5 करोड़, तो आप देख सकते हैं उसके बाद कहीं से इसमें भी कम से कम 100-200 लोगों ने आत्महत्या कर ली। एक अमेरिका में घोटाला सामने आया एम्स्टर्डम नाम का, उसके बाद भी वो कम से कम 8 से 10 साल चला, उसमें भी कई सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली। आपने हाल ही में सुना होगा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा घोटाला था सत्यम घोटाला, उसमें भी यही तरह की स्कीमें होती थी, ऐसे ही फ्रॉड, लोगों को साइट पे बिजनेस दिखाया जाता था और वहां पर भी कोई रसूल की बातें करता था, कोई भगवान की बातें करता था, कोई जीसस की बातें करता था, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाला होने के बाद कंपनियां बंद हो गई, फरार हो गई और 200 से 300 आदमियों ने अपने आप को मौत के घाट उतार लिया। नोहेरा जी, मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं नोहेरा जी कि जिस तरह से आप स्कीम में तब्दीली ला रही हैं, वही स्कीम तब्दीली ना लाते हुए जो इन्वेस्टरों का पैसा है, जिन्होंने अपना घर बेच के अपनी बेटियों का शादियों का खर्चा आपके पास रखवाया, आपके ऊपर अल्लाह और रसूल की बातें जो आपने की थी वो भरोसा करके रखवाया, नोहेरा जी, मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए हमेशा, जब आप बोलेंगी, जहां बोलेंगी, मैं तैयार हूं। आप डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगी, मैंने अभी तक ये लास्ट वीक में मैंने वीडियो बनाया था, मुझे मुंबई भर से, यहां तक कि गवंडी, कल्याण, भिवंडी से 1 से 1.5 हजार इन्वेस्टरों के कॉल आ गए, जिसमें से किसने कहा सर हमारा 50 लाख है, जिसने कहा सर मेरी जिंदगी की कमाई है उसमें, किसने कहा मेरी बेटी के पैसे हमने जोड़े थे, किसने कहा तरह तरह की बातें, कम से कम मुंबई से कम ये कम से कम 50-100 करोड़ का घोटाला मुझे आज दिख रहा है ऑन पेपर। नोहेरा जी, मैं ये वर्बली कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूं, ऑन पेपर। गूगल पे मैंने बहुत सारी आपकी साइटें देखी, सब मैंने पढ़ी, कहीं भी कोई भी इन्वेस्टर को आप ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं देती, सबसे पहली बात। और सबसे पहली बात आपने ये दिखाया, हाल ही में मैंने ये बहुत सारे पॉइंट्स निकाले हैं कि आपने दिखाया कि कंपनी को आपने 49 करोड़ के शेयर खरीदे, जिसमें से 96% सिर्फ आपके नाम पे शेयर है, मतलब सिर्फ 4% इन्वेस्टरों के नाम पे है। ऐसा आप ये ऑन पेपर दिखाइए, ये वर्बली कम्युनिकेशन मत दिखाइए मैडम।
मैडम बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं कि आप सिर्फ लोगों को ये दिखाती हैं कि ये बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है ये बड़े बड़े हवाला कारोबारियों की सपोर्ट से और बड़े बड़े ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको आपने आपको जिन्होंने बिठाया है और इस तरह के काम में इन्वॉल्व किया है। दूसरी बात, अगर आप ये इन्वेस्टर सही हैं और आप बिल्कुल सही हैं, आपकी कंपनी बिल्कुल सही है, तो आपके मुझे ब्रांचेस बताइए मैडम कहाँ कहाँ है, और आपके ऑफिसर्स कौन यूज़ करता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे आप पेमेंट लेते हो, और जो 1 लाख पे आप 3,000 रुपये देते हो किस तरह से देते हो मैडम वो बताइए, उसका कुछ प्रूफ देते हो या लेते हो, सिर्फ वर्बली कम्युनिकेशन से मैडम कंपनी नहीं चलती। दूसरी बात, आपके मैंने इतने बड़े बड़े जैसे अभी नाम गिनाया, मैडॉफ स्कैम, पल स्कैम, श्रद्धा स्कैम, सत्यम स्कैम, इसके बाद लोगों में डर बैठ गया है मुसलमान कम्युनिटी, क्योंकि आपकी ये रूल्स है कंपनी का, रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपकी कंपनी में सिर्फ मुसलमान लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें इस्लाम का हवाला दिया, हलाल पैसे का हवाला दिया, जिसके मद्देनजर रखते हुए आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टरों ने करोड़ों पैसे आपकी कंपनी में लगाए, और आपने ये भी कहा कि पॉलिसी में थोड़ा चेंजेस है, 3 महीने में पैसा आएगा, अगस्त तक आएगा। कुछ लोग आज भी ये आस लगा के बैठे हैं नोहरा जी कि 3 महीने में पैसा हमारा आ जाएगा, हम सबके पैसे रिटर्न कर देंगे। अच्छी बात है, अगर आप अगस्त तक पैसे रिटर्न करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं कि पूरी जनता ये सोच रही है कि जरूर नोहरा शेख सच कहती है और नोहरा शेख हक की बात करती है और हलाल पे काम करती है, क्योंकि एज पर द पॉलिसी योर रूल्स एंड रेगुलेशन एज सेज दैट कि हमारी कंपनी कभी धोखा धड़ी करके नहीं भागेगी, ऐसा आप कहते हैं। लेकिन हाल ही में हमने देखा विजय माल्या जैसे 9,000 करोड़, नीरव मोदी जैसे कम से कम हजारों करोड़, मेहुल चौकसी जिन्होंने करोड़ों का घोटाला कर दिया और ये लोग फरार हो गए, ना उनका सरकार कुछ कर पाई, ना इस हमारी पुलिस कुछ कर पाई। लेकिन नोहरा शेख जी, और आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज बताता चलूं, सुचेता दलाल जिसका आपने नाम सुना होगा, आरटीआई एक्टिविस्ट है, बहुत सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने आपकी कंपनी को सबसे बड़ा घोटालेबाज कंपनी करार दिया गया है, ये गूगल पे आप जानकारी देख सकते हैं। सुचिता दलाल वो है जिन्होंने केतन पारिक और हर्षद मेहता का सबसे बड़ा घोटाला उजागर किया था जनता के सामने। नोहरा शेख जी, आप मुझे बताइए, सबसे पहली बात, आप दुनिया को ब्लेम कर रही हैं, चलिए मान सकता हूं गलत हो सकते हैं, हमें ब्लेम कर रही हैं, लेकिन मैं एक एडवोकेट होने के नाते, अपनी टीम होने के नाते, इस जनता, मासूम जनता के नाते, आपके ससुर जी ने एक वीडियो में यह कहा है कि मेरी बहू लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, इसने हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, बहुत सारी जगहों पे ज्वेलर्स की शॉप खोल के रखी हैं, लेकिन आज तक कभी मैंने उसमें गोल्ड बिकते हुए नहीं देखा। इन्वेस्टर कब आते हैं, क्या करते हैं, मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ मेरी बहू पुराने वालों से पैसा इन्वेस्ट करती है, नए वालों से लेके पुरानों को देती है, पुरानों का नया, ये सिर्फ एक चेन घूमती है जिसके मद्देनजर रखते आपको कई कितना हजारों करोड़ का फायदा पहुंचता है, लेकिन जनता को ये नहीं पता कि उनका पैसा उन्हें ही मिल रहा है, सिर्फ इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी जो बैलेंस शीट है, आज तक कभी आपने अपने नेट पे या सोशल मीडिया पे कभी वायरल नहीं की, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप कहती हैं रिलायंस की बैलेंस शीट कभी नहीं आई, रिलायंस की आप हर उसके प्रोडक्ट के हिसाब से, हर उसकी नेट में जाके देख सकती हैं उसकी बैलेंस शीट, एक एक प्रॉफिट लॉस, हर चीज जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं सब नेट पे अवेलेबल है मैडम, लेकिन आपका कोई ऐसा डिटेल नेट पे अवेलेबल नहीं है। मैं ये चाहता हूं नोहरा शेख जी कि आप जो मुंबई से 100 करोड़ 50 करोड़ जो ऐसे इन्वेस्ट हुए हैं आपकी कंपनी में, 5 अगस्त का आपने वादा किया है, मैं ऐसा सोचता हूं कि आप 5 तारीख को इनके पैसे बहुत अच्छी तरीके से, एक मुसलमान होने के नाते, अल्लाह रसूल का वास्ता जिसमें आपने दिया था, हलाल कामों के नाते आप उन्हें वापस कर देंगे, क्योंकि ये लोग मौत के कागार पे खड़े हैं। कुछ इन्वेस्टर तो ऐसे हैं जो रो रहे हैं और आवाज में वीडियो में नहीं दिखा सकता हूं, वो लोग आए हैं ऑफिस पे बैठे हैं, रो रहे हैं कि सर हमारा पैसा दिला दो। मैडम वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं अपनी पब्लिसिटी करना, पब्लिसिटी स्टंट करना, ये वो मैसेज है कि आप तक आवाज पहुंचाना कि वल्ला जाने आप हैदराबाद में हो या आप कर्नाटक में हो या दुबई में हो या ऑस्ट्रेलिया लंदन में हो,
मैडम हम सिर्फ ये जानते हैं लोगों की न्याय कैसा मिले, हक कैसा मिले। और दूसरी बात, आपके जो एजेंट हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भैया आपके घर भी माँ बहन बेटियाँ हैं, इस तरह से लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप पे गालियाँ ना दो, यूट्यूब पे गालियाँ ना दो, चंद पैसों के खातिर अपने अमाल खराब ना करो। आप उनका परसेंटेज लेके आप वही जनता को डुबा रहे हो, नए नए इन्वेस्टर ला रहे हो, जो पुलिस स्टेशन में तकरार देने जा रहा है उन्हें डरा रहे हो, उनके फेक वीडियो बना रहे हो, उनके बारे में उलट सीधत बातें कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों एक याद रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब चीजों से। आपकी मैडम खुद ये कह रही हैं, मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूं, मैं जल्द से जल्द इनका पैसा 5 तारीख से पहले पहले लौटा दूंगी। मुझे यह अपेक्षा है कि नोहेरा शेख जी अब आने वाली 5 तारीख को ये जनता का पैसा लौटा देंगी। अगर ऐसा नहीं होता है मैडम तो हमारी पूरे इन्वेस्टर, अभी तक कम से कम मेरे पास हजारों के तो फोन आ गए और 100 तक लोगों के पेपर्स आ गए हैं, वो पेपर्स लेके हम हाईकोर्ट और ईओडब्ल्यू में मूव हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी हमने लेटर फॉरवर्ड कर दिया है, साथ ही साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी एनजीओ से ये कहना चाहेंगे कि जहां जहां ऐसा स्कैम दिख रहा है दोस्तों इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन अर्जी दीजिए, और अगर इसकी जांच पड़ताल नहीं होती है तो हमें संपर्क कीजिए। हमने पहले भी कहा हमारा ऑफिस वाकोला पुलिस स्टेशन सांता क्रूज ईस्ट में है, कभी भी आप आ सकते हैं, वहां पे हमारी एडवोकेसी की टीम है, हमारे सीनियर लॉयर हैं, हमारे सभी दोस्त हैं, आपको एक्सपर्टाइज है जो आपको हर चीज में सॉल्यूशन मदद करेंगे। हमारा सिर्फ एक काम नोहेरा शेख जी की जो हीरा गोल्ड कंपनी है उससे आपको न्याय दिलाना, और अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम जरूर दरवाजा हाईकोर्ट का खटखटाने को बैठे हैं। इसी के साथ अगले वीडियो में मैं अपने और इन्वेस्टरों के साथ आपके साथ बैठूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।